The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Hi friends, welcome back to our channel Only Veg Rasoi. आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं आलू के पराठे की रेसिपी. आलू के पराठे बड़े से लेकर बच्चे से लेकर बहुत ही चाव से खाते हैं, तो देखते हैं कि हमें इसे बनाने के लिए क्या क्या चाहिए. आलू पराठे बनाने के लिए हमने यहाँ पर आलू लिए हैं जिसे हमने उबाल के पहले से छील लिया है. यहाँ बादाम है, अजवाइन है, लहसुन है, प्याज है, जीरा है, कटे हुए अदरक है, कटी हुई है मिर्च है, धनिया है और ये लहसुन के पत्ते हैं. मसालों में हमने यहाँ पर धनिया पाउडर लिया है, काली मिर्च पाउडर है, जीरा पाउडर है, हल्दी पाउडर है, नमक है स्वाद अनुसार और लाल मिर्च है. यहाँ पर हमने आटे को गूंथ के रख लिया है. ये तेल है जिसे हम कढ़ाई में डाल देंगे. इसमें हम बादाम को डाल के भून लेंगे. ये बादाम हमारे भून चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेते हैं. अब हम इसमें जीरा डाल देते हैं. प्याज और लहसुन इसमें हम गोल्डन ब्राउन होने पर भून लेंगे. अब हम इसमें कटे हुए अदरक और हरी मिर्च डाल रहे हैं. ये लहसुन के पत्ते हैं. ऐसे मिक्स कर लेते हैं. मसालों में हम जितने मसाले हैं वो सभी डाल देंगे. हमने यहाँ पर अपने आलू को मसल लिया है, अब हम इसमें ज्वाइन डाल रहे हैं. इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे. अब हम अपने आलू को इसमें डाल देंगे और इसे साथ में मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से. साथ में हम इसे धनिया पत्ता डाल देंगे जिसे हमने छोटी छोटी पीसों में काट लिया था, और इसमें भुंजे हुए जो बादाम थे उसे भी डाल देंगे. ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है. ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है. अब हम गैस ऑफ कर देते हैं. अब हम आटे को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसकी छोटी छोटी पेड़े बना लेंगे. ये हमने बना लिया है छोटी छोटी. ज्यादा छोटी मत लीजिएगा, हल्की बड़ी लीजिएगा. अब इसकी हम गोल कटोरी बना लेंगे. मैं ये आलू का मिश्रण भरेंगे. इसे अच्छे से प्रेस करते हुए भर देंगे और इसके कॉर्नर्स को जॉइंट करेंगे. इस तरीके से ये देखिए.
अब हम अपने पराठे को बेलेंगे। इसे ज़्यादा पतला ना बेले और ना ही ज़्यादा मोटा बेले। हमारा तवा गर्म हो चुका है, इसे हम इस पराठे को डाल देंगे। जब तक ये सीख रहा है तब तक हम अपने दूसरे पराठे को तैयार कर लेते हैं। कढ़ी बना लेंगे। और इसमें भी आलू का मिश्रण भरेंगे। अब वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे जो हमने पहले पराठे में किया। अब हम इसमें रिफाइंड डालेंगे और इसे रिफाइंड लगा के चारों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। दूसरी साइड भी लगा लेंगे। अच्छे से ये देखिए कितनी प्यारी सी खिल रहा है। ये चीज सीख चुका है, उसे प्लेट में निकाल लिया हमने। दूसरी साइड भी अच्छे से लगा के सेक लेंगे। ये देखिए हमारे पराठे कितने अच्छे तरीके से ये तवे पे ही खिल जा रही हैं। इसे चारों तरफ से दबा दबा के अच्छे से सेक लेंगे। ये हमारा अच्छे से सेक चुका है, हम इसे अपने प्लेट में निकाल लेंगे। ये हमने साथ में टमाटर की चटनी ली है। वाह, ये देखिए हमारा टेस्टी आलू का पराठा और उसके साथ टमाटर की चटनी रेडी है। आप इसे वाह, ये हमारा रेडी है। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।